नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, मेमोरी पावर अगर कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है और कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ रख के भूल जाते हैं, या घर में कुछ बोला गया है वो आप भूल जाते हैं, या कुछ पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं और आप उतना डिलीवर नहीं कर पाते, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप जितना सोच रहे हैं उतनी अच्छी आपकी लाइफ हो भी नहीं पाती। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। एक ड्रॉप है वीजल का, मेमोरिन ड्रॉप, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव इसका कॉम्बिनेशन है, और इसे आप यूज़ करेंगे तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, और ना सिर्फ मेमोरी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीजल मेमोरिन ड्रॉप, यह ड्रॉप बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप है याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। और जो आपका याददाश्त कमज़ोर है, छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हैं, कुछ चीज़ रखे हुए हैं वो आप भूल जाते हैं, या खासकर बच्चे हैं, 11th 10th 12th के बच्चे हैं, वो जो पढ़ते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है, क्योंकि मेमोरी जो है वो कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेमोरी अपने आप ही कम होगी, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी। साथ ही साथ कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता अच्छी है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाते समय एकाग्रता अच्छी होती है अमूमन, और जब अच्छी होती है तो वीडियो एक टेक पे बन जाता है, मतलब बिना किसी काटे पीटे वीडियो बन जाता है, और जो भी मैं सोचा रहता हूँ कि कैसा बोलना है आपके सामने सब कुछ बोल देता हूँ। लेकिन अगर मेरी एकाग्रता थोड़ी कमज़ोर हो जाए और मेरी कंसंट्रेशन और साथ ही साथ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाए, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे बोलने पे बहुत बार मुझे टेक लेना पड़ेगा, बहुत बार मुझे रीटेक लेना पड़ेगा, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे उसे बहुत एडिट करना पड़ेगा। ऐसा हर, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अपना खुद का। आप जब एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो जो आपने पढ़ा है वो आप कॉन्फिडेंस से लिखेंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा गया है, क्या सही है क्या गलत है, तो फिर आप जो लिखेंगे वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं होगा, और इससे आपके मार्क्स कटेंगे एग्ज़ाम में, या आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो आपको बनते हैं, ऐसे में आपका एग्ज़ाम का स्कोर कम होगा। तो मेमोरी पावर, साथ में कंसंट्रेशन, साथ में कॉन्फिडेंस, ये तीनों ही चीज़ वीजल मेमोरिन ड्रॉप से बढ़ती है। सबसे पहले जानते हैं किसके अंदर कौन कौन सी दवा है, फटाफट से जानेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको पीने का कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि ये कहाँ पर मिलेगी और इसकी कितनी प्राइस है। इसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस का पेशेंट बहुत कंफ्यूज होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता, और इस कारण से मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है और बहुत चीज़ें भूलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेडिसिन इसको वीजल मेमोरिन ड्रॉप में डली हुई है। दूसरी मेडिसिन है लैक कैनाइनम। लैक कैनाइनम फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा वीक मेमोरी है, तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। एक और मेडिसिन इसमें डली हुई है कालीफॉस। कालीफॉस जनरल हेल्थ टॉनिक है और जनरल ब्रेन टॉनिक है, तो जब आप कालीफॉस लेते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम आप लेंगे तो आपको पढ़ने का मन बहुत अच्छे से करेगा, आप अच्छा पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो, कहीं पर भी खड़े हो गए आप और कुछ बोलना हुआ तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों से बात करना हुआ तो बात करने में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और लास्ट में इसमें बेराटा कार्ब डली हुई है, बच्चों के लिए, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बेराटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है,
ब्रेन का ग्रोथ भी बढ़ाती है, मेमोरी पावर भी बढ़ाती है और साथ ही साथ जनरल फिजिकल ग्रोथ भी बढ़ाती है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सिंपल इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन। अब आप इसे कैसे यूज़ करें, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। लगभग 1/4 कप ऑफ वाटर लीजिए, छोटा काला कप जिसमें चाय पीते हैं, उसमें 1/4 कप पानी डालिए। लगभग 20 से 25 ml पानी होना चाहिए, उसमें 15 से 20 बूंद इस ड्रॉप को डालिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो 20 बूंद डालिएगा, अगर आपकी उम्र 10 से 20 के बीच में है तो आप 15 बूंद डालिएगा, अगर आपकी 10 से कम है तो 10 बूंद डालिएगा। ऐसा करके आप डालिए और सुबह एक बार पीजिए और फिर एक बार रात में पीजिए, दो बार पीजिए सुबह और रात में। इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू करें लगभग 15 दिन तक, एक सीसी लेके देखें, आराम लगे तो फिर आप कंटिन्यू करें 3 से 4 महीने तक। साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 3x में सारी मेडिसिन मिली हुई है, तो कुछ मेडिसिन पॉलीक्रस्ट हैं लेकिन 3x में मिली हुई है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छी ये मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशन है वीजल का मेमोरिन ड्रॉप। ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिएगा। हालांकि मैंने इस पे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन भी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बताए हुए हैं, तो उन कॉम्बिनेशन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मैसेज सेक्शन में ज़रूर डाल दूंगा। उन वीडियोज़ को भी आप देखिएगा, लगभग सेम जैसी मेडिसिन सब में रहती है, यही सब मेडिसिन हैं। और आप ज़रूर पढ़िएगा मेडिसिन को, और मेडिसिन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद यूज़ करिएगा। और अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ दिन तक यूज़ करके देखिए, आराम लगे, अच्छा लगे, मेमोरी पावर बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आप मेडिसिन कंटिन्यू करें। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 101 से लेकर 110 रुपए के बीच की ये मेडिसिन है, बहुत ही सिंपल इफ़ेक्टिव सस्ती अच्छी मेडिसिन है वीजल की मेमोरिन ड्रॉप। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगे, आपका मेमोरी पावर बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है, तो ज़रूर ट्राई करिए और अच्छे लगे तो कंटिन्यू करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।